छाते, ओ छाते, ओ बगैरत, चल दफाओ, चल। तुझे कितनी बार कहा है कि इन आवारा लड़कों के साथ मत खेला कर, पर तुझे समझ नहीं आती। अब तुझे दूसरी तरह समझाना पड़ेगा। चार छितर लगेंगे ना तो सब समझ आ जाएगी, सारी फनकारी निकल जाएगी। कुछ समझे? अस्सलाम वालेकुम। तुमने तो बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है। अरे वाह, इतनी प्यारी पेंटिंग, ये तुमने बनाई है? अच्छा, किसे सीखा तुमने पेंटिंग बनाना? मुझे दिखाओगे? तुम्हारा नाम क्या है? शादा। अच्छा, तो तुम और पेंटिंग करोगे? चलो फिर आओ। चले पूछा दे, इधर आ, मेरा पुत्र रोटी खा ले। देख, मेरा शादा पुत्र नहीं है, अपनी माँ से भी जिद लगा के रखी है। चल उठ यार, मैं भी तेरी माँ हूँ। वे आज क्या इसने जिद लगाई हुई है? और जी कुछ नहीं, बस शादा एक ही रट लगाए रखता है। मैं तो समझा के थक गई। कुछ बताएगी भी कि नहीं? क्या जिद लगा के बैठा है जी? और जी तस्वीरें बनाने के लिए रंग मांग रहे हैं। पता नहीं कहाँ से शौक पड़ गया इसको रंगों का। ओ इसे समझा कि रंगों से पेट नहीं भरते। दो दिन दिए थे इसको शहर में काम करने के लिए और सारे रंग उड़ गए थे इसके। ओ जी आप ही तो हर वक्त गुस्सा ही करते रहते हैं। कुछ तो आप कली वाले से बात करें दोबारा कि मेरे शादे को काम पे रख ले। मेरे शादे के सारे शौक भी पूरे हो जाएंगे और चार पैसे भी घर में आ जाएंगे। और कौन रखेगा अब इसको काम पे? याद नहीं है पिछली दफा और कितना नुकसान किया था इसने? बजाय पैसे मिलने के लोगों की मिन्नतें तरले करके जान छुड़ानी पड़ी थी। तू तो चाहती है कि हमारी रही से इज्जत भी खत्म हो जाए। क्या देख रही है उसको? फड़ाई सिर पे खड़ी होगी, बह जाओ उधर जाके।
क्या हुआ शादे, तुम पेंटिंग क्यों नहीं बना रहे हो? तुमने आज पेंटिंग नहीं बनानी क्या? नहीं। क्यों, किसी ने कुछ कहा है क्या? वो मिस जी आपसे बात करनी थी, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं करूंगी, तुम बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना, बताओ। मिस जी वो मुकाबला हो रहा। हाँ, वो सालाना पेंटिंग का मुकाबला। तो मैंने भी हिस्सा लेना। मिस जी बस इतनी सी बात, समझो मैंने तुम्हारा नाम भेज दिया और तुम्हारी पेंटिंग भी मुकाबले में जाएगी। सच्ची? मुच्ची। चलो पेंटिंग बनाओ। छोटे इधर आओ, ये पकड़। हाँ सेट। और ना पिछले बर्तन वापस लेके आई। चल चल। अभी पाछी दे, वो क्या हाल है तेरा, कहाँ रह गया था तू इतने दिनों से? और तू तो ईद का चांद नहीं हो गया। और ये ले पकड़, गर्मा गर्म चाय पी। क्या बताऊं यार काले, हालों बेहाल हो गया हूं। ना घर में चैन है ना बाहर कोई सुकून है। सारा दिन मालकों की चिक 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 बर्दाश्त करो और जब रात को घर जाओ तो वहां पे भी कोई नया ड्रामा शुरू हुआ होता है। पाछी दे, हुआ क्या है? थक गया हूँ यार, ये मजदूरी कर करके मेरी तो हड्डियाँ जवाब दे गई हैं। और रब ने एक ही बेटा दिया, वो भी किसी काम का नहीं है। क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आता। पाछी दे, क्या क्या दिया तुझे छादे ने? ओए वो तो बेचारा है ही कमला। क्या कह रहे हो, है ही कमला। और रोटी वो सियाने बंदे जितनी खाता है और जगह भी वो सियाने बंदे जितनी घेरता है। ओ पाछी दे, ओ क्या कह दिया तुझे उस मासूम ने? ओ तू हंस रहा है? ओ खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसा बच्चा ना दे। वैसे पाछी दे, तेरी समस्या का ना एक हल है मेरे पास। क्या मतलब? ओ मतलब ये कि मुझे यहाँ पे काम के लिए ना एक लड़के की जरूरत है। और मेरा काम भी बड़ा सौखा सा है, और कमले सियाने सारे ही कर लेते हैं। तू छादे को यहाँ पर मेरे पास छोड़ दे। तो फिर ये, अगर तू छादे को मेरे पास यहाँ काम पे छोड़ देगा तो यहाँ पे काम भी सीख लेगा और मेरी नजरों में भी रहेगा। और हाँ, उसे 100-200 रुपया दिहाड़ी भी दे दिया करूंगा। यार काले, मैं ये तेरा एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ओ कोई रोला ही नहीं, ये ले, ये गर्मा गर्म चाय पी तू। ओए, इधरा।
चाहते क्या हुआ, क्यों मार रहे हैं? ये देख अपने पुत्र के करतूत, ये दिन देखना बाकी रह गए थे, क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, और इसने ये करतूत दिखाए। अच्छा था, बे औलाद ही अच्छा था। ठीक कहते हैं गांव वाले कि तेरे घर में अजाब पैदा हो गया है, इसने ये साबित करके दिखाया है। इधर आ, यहाँ पे बैठ। क्या हुआ? ओए, डर क्यों रहा है मेरे से? घर जाना है, घर। तू जा घर, और मैंने तुझे रोका है। ओ बस थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाया कर। तू ऐसे नहीं मानेगा, ये देख। 100 का नोट लाया हूँ तेरे लिए, ये ले पकड़। ओए पकड़ ले, पकड़ पकड़, चल रंग ले ले। नवाब साहब, ओ नवाब साहब, अंदर से बर्तन ला। ओ बर्तन ला अंदर से। Thank you.
السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کو اور اسپیشلی ہمارے چیف گیسٹ کو خوش آمدید کہتی ہوں. کہ آج آپ سب یہاں پر آئے اور پینٹنگ کے اس سالانہ مقابلے کو رونق بخشی. فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے. پینٹنگ کے اس سالانہ مقابلے میں جس اسٹوڈنٹ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس اسٹوڈنٹ کا نام ہے شہزاد. میں شادہ. دعوت دیتی ہوں شہزاد کو کہ جا کر اپنا انعام وصول کرے. شادہ بتاؤ شہزاد، کیا سوچ کر تم نے یہ تصویر بنائی؟ ڈرو نہیں، بتاؤ سب کو. یہ جب میں ڈرتا تھا نا تو بناتا تھا. کس سے ڈرتے تھے تم؟ میرا ابا مجھے بہت مارتا تھا. وہ کہتا تھا میں اس کے لیے عذاب ہوں. میں بغیر تم جو اس کی سارے گاؤں میں عزت خراب کرتا ہوں. وانا چاچا کالا ہوتا تھا گاؤں میں. وہ نا مجھے بہت تنگ کرتا تھا. میری بات نہیں سنتا تھا وہ. تب بناتا تھا یہ. انعام کا کیا کرو گے؟ یہ میں نا اپنے ابا کو دوں گا. اسے کہوں گا دیکھ شادہ بغیرت نہیں ہے نہ ہی پاگل ہے. اپنی بیبی کو دکھاؤں گا اور کہوں گا کہ دیکھ شادہ نے مقابلہ جیت کے تیری عزت بنائی ہے. چھاتا بھی دوسروں کی طرح بڑا آدمی بن سکتا. شادہ پاگل نہیں ہے. میں بغیرت نہیں ہوں. میں بیکار نہیں ہوں. پوچھے ہے دل میرا مجھ سے کیوں منہ پھیرا. مانا غلط ہوں پر ہوں تو میں بس تیرا. سپنوں کو میرے تم نے یوں بکھیرا. یہ شام ایک دن بنے گی سویرا.